बहुत अफसोस की बात है कि जहां पर दो समुदाय के बीच में अशांति का वातावरण है, गंधचरा, वहां पर हमने पहले से पीसीसी के प्रोग्राम ऑफिस के द्वारा हमने स्टेट के पुलिस को सूचित किया था कि तारिक अनवर साहब, हम हमारे AICC PCC डेलीगेशन वहां जाकर लोगों को सहानुभूति देना चाहते हैं, शांति की गुजारिश करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक, अहम अंतिम समय तक हमें बोला गया कि आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम तो बस संवेदना जताना चाहते हैं, सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी सरकार नहीं चाहते कि गांधचरा में जो उनकी सरकार की जो विफलता हुई है, वो विफलता आज देश भर में प्रचार हो। अपने विफलताओं को, अपने लापरवाही को छुपाना चाहती है। जो 40 से ज्यादा घर जल गए, उसमें जो पुलिस की जो लापरवाही हुई है, उसको छुपाना चाहती है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचित भी किया था, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन को तत्परता दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाया। वहां पर जो एक युवा रियांग जिसकी हत्या हुई, उसमें जो इंसाफ नहीं मिल रहा उसके परिवारों को, इस चीज को वर्तमान की त्रिपुरा भाजपा सरकार छुपाना चाहती है। लेकिन ये सच्चाई हम उनको दबाने नहीं देंगे। गांधीचरा में जो सरकार के विफलताओं से एक रियांग युवक का हत्या हुआ, इतने सारे घर और दुकान जल गए, पूरी तरीके से प्रशासन विफल हुई है, हम त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनने नहीं देंगे। और ये विषय भी हम आने वाले सत्र में उठाएंगे।